हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्म फेंसिंग। फॉर्म फेंसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग एनी फॉर्म स्ट्रक्चर और एनी फॉर्म बिल्डिंग लाइक पोल्ट्री हाउस, पिगरी हाउस, एनी फार्म प्रोड्यूस शेल्टर। सो इन अवर पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फार्म फेंसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सो लेट अस सी व्हाट इज फार्म फेंसिंग। When we are designing any loose animal shelter or loose poultry house, so there is an importance of form fencing। या हम यूं कहें कि हमें किसी जो ऑफ टाइप एनिमल है या अनवांटेड एनिमल है, जो हम नहीं चाहते कि हमारे फॉर्म में वो एंटर करे, या हमें एक कन्फाइनिंग करना है हमारे फॉर्म को या हमारे लैंड को, एक डिमार्केशन करना है, तो हम यूं कहें कि फॉर्म फेंसिंग का वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। फॉर्म फेंसिंग इज अ बैरियर। फॉर्म फेंसिंग लाइक एक्ट एज अ बैरियर इज यूज्ड फॉर कन्फाइनिंग एनिमल टू अ डेफिनेट और फॉर कीपिंग देम आउट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। अ फेंस इज अ बैरियर विच इज यूज्ड either for confining animal to a definite area or for keeping them out of a particular area। या तो हम किसी एनिमल को कहीं जाने से रोकते हैं या दूसरे एनिमल को हमारे फॉर्म में एंटर करने से रोकते हैं, तो ये हम फेंसिंग का यहाँ पे यूज होता है। या हम डिमार्केशन करते हैं, हमारा एक फॉर्म है और इसी से लगा हुआ दूसरा फॉर्म है, तो हमको हमारे फॉर्म का एक तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, ताकि हमारी जो एनिमीज हैं, जो थीफ हैं, वो एंटर ना करें, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ फॉर्म फेंसिंग करते हैं। या दूसरा बात, इसके अंदर ही हम यदि एक पोल्ट्री हाउस डिजाइन कर रहे हैं या शीप हाउस डिजाइन कर रहे हैं, है ना, या फिर हम पिगरी हाउस डिजाइन कर रहे हैं, या हम कोई मशीनरी हाउस है जिसमें हम मशीनरी को स्टोर करते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी को, तो उसके चारों तरफ हम एक डीमार्केशन करते हैं। डीमार्केशन इन द सेंस वी कंस्ट्रक्ट fencing around it। So form fencing, there is a different types of form fencing। First one is हमारा आता है वूवन वायर या वूवन मैश टाइप। वूवन मैश टाइप फॉर्म फेंसिंग। वूवन मैश टाइप फॉर्म फेंसिंग में
जो हमारे वायर होते हैं वो एक मैश के फॉर्म में होते हैं, इसी में हम फिर पढ़ेंगे, इसी को हम फिर कैटेगराइज करेंगे कि ये क्लोज वायर मैश होता है या फिर लार्ज मैश टाइप होता है या फिर हेक्सागोनल भी होता है इसमें। तो इसमें आ जाता है क्या नंबर 3, लार्ज वुवन, नंबर 2 स्मॉल वुवन वायर मैश, और नंबर 3 हेक्सागोनल। नंबर 3 क्या आ जाएगा, हेक्सागोनल वायर टाइप। इसमें नंबर 2 आता है बारबर्ड वायर फेंसिंग, नंबर 2 बारबर्ड वायर फेंसिंग। एक बारबर्ड वायर मींस एक वायर होते हैं जिसमें इस टाइप के पॉइंट्स बने होते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं, आपने देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बारबर्ड वायर फेंसिंग। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं, इसको हम बोलते हैं बारबर्ड वायर फेंसिंग। नंबर 3 हमारा आता है प्लेन वायर फेंसिंग। प्लेन वायर फेंसिंग, प्लेन वायर फेंसिंग में सिंपल प्लेन वायर होते हैं, ये या तो क्लोज हो सकते हैं या इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो थोड़ा अलग अलग पर्पस पे अलग अलग डिस्टेंसेस हम बिटवीन द वायर्स यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद आता है वेल्डेड प्लेन वायर फेंसिंग। इसके बाद हमारा आता है 4th नंबर पे वेल्डेड प्लेन वायर फेंसिंग, और 5th नंबर पे हमारा आता है इलेक्ट्रिक फेंसिंग। इलेक्ट्रिक फेंसिंग थोड़ी सी डेंजरस होती है क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू हम इसकी फेंसिंग करते हैं वायर पे, एक न्यूड वायर होता है उस पर हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो कि 5-12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट होता है। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फेंसिंग। वुवन वायर फेंसेस आर मोर पॉपुलर फॉर जनरल फॉर्म यूज देन एनी अदर टाइप। जो वुवन वायर होता है ये हर प्रकार के पर्पस पे सर्व कर सकती है,
क्योंकि ये थ्री टाइप के होते हैं, एक लार्ज जो हमें लार्ज एनिमल्स है उसको उसका डिफाइनिंग करना है तो हम लार्ज ओवन वायर मैश का यूज करेंगे, यदि जो स्मॉल एनिमल्स है हम उसको कन्फाइन कर रहे हैं हमको तो हम स्मॉल ओवन वायर मैश का यूज करेंगे। अब लार्ज ओवन वायर मैश का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें गॉट है, गॉट को कन्फाइन करना है तो लार्ज ओवन वायर मैश का यूज करेंगे। यदि हम हॉर्स को कन्फाइन कर रहे हैं तो लार्ज ओवन वायर मैश को का यूज करेंगे। यदि हमें एलिफेंट है ना, या हम कैटल है, शीप है, अगर हम इनको कन्फाइन करना चाहते हैं तो हम लार्ज ओवन वायर मैश का यूज करेंगे। हम स्मॉल ओवन वायर मैश का यूज कहाँ करेंगे, जो स्मॉल एनिमल्स है जैसे पोल्ट्री हो गया, या स्मॉल बर्ड्स है जैसे पोल्ट्री हो गया है ना, तो और क्या बोलते हैं रैट हो गए, रैट को अगर कन्फाइन करना है तो हम स्मॉल ओवन वायर में इसका यूज़ करेंगे। इसी टाइप से हेक्सागोनल भी अलग अलग पर्पस के लिए सर्व होता है। तो ओवन वायर जो फेंसिंग है आर मोर पॉपुलर फॉर जनरल फॉर्म यूज देन अदर टाइप्स ऑफ फेंसिंग। प्रॉपरली गैल्वनाइज्ड सच वेदर्ड प्रोटेक्टेड वायर आर पर्टिकुलरली यूज्ड। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम जो वायर की फेंसिंग कर रहे हैं वो कैसी होना चाहिए, एक तो वेदर से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, मतलब उसमें रस्ट वगैरह ना हो, वो उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ हो है ना, वो वीक ना हो, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एंड इट इज स्ट्रेंथ एनफ। सो जैसे बफेलो हो गया, काऊ हो गया, हॉर्सेस हो गए, तो इस टाइप के एनिमल्स को हम वोवन वायर फेंसिंग के थ्रू कन्फाइन कर सकते हैं। द स्पेस बिटवीन द वर्टिकल वायर इज कैप्ड बिटवीन 15 एंड 30 सेंटीमीटर। आइए हम एक एक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोवन वायर मेश टाइप। वोवन वायर मेश टाइप में हम देखते हैं कि जो स्पेस बिटवीन वर्टिकल वायर्स हैं इज कैप्ड बिटवीन 15 टू 30 सेंटीमीटर। एक वायर है, एक वायर है और इसपे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कितनी रखते हैं, 15 टू 30 सेंटीमीटर। Whereas the space between horizontal wire varies between 7.5 and 22.5 centimeter. या तो हम 7.5 सेंटीमीटर रखें जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है horizontal wire जो है, हॉरिजॉन्टल वायर भी होंगे वर्टिकल वायर भी होंगे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंसेस है वो कितनी रखेंगे हम, 7.5 रख सकते हैं या फिर 22 सेंटीमीटर। एंड स्पेस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल वायर is closer at the bottom and increase towards the top of the face fence, sorry। जैसे जैसे हम
ये हमारा ग्राउंड लेवल है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते नियर टू द ग्राउंड हमारे जो स्पेस है ये कम होती जाएगी, हॉरिजॉन्टल वाला स्पेस जो है वो कम होते जाते, ये ग्राउंड लेवल। दिस इज द साइन ऑफ ग्राउंड लेवल। तो हमारी जो स्पेस है 1-2 स्पेस बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल वायर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज क्लोजर। द क्लोज वायर मैश टाइप में मे बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फेंस फॉर पोल्ट्री हाउस। जैसा कि मैंने बताया इट द क्लोज वायर मैश हैज एंड कंसिडर द आइडियल फेंसिंग फॉर पोल्ट्री हाउसेस रैबिट्स एंड गोट्स अप टू द फर्स्ट 43 सेंटीमीटर हाइट। द स्पेसिंग बिटवीन द हॉरिजॉन्टल वायर वेरीज बिटवीन 4-8 सेंटीमीटर। कहाँ से जो स्पेसिंग है 43 सेंटीमीटर हाई, द स्पेसिंग बिटवीन द हॉरिजॉन्टल वायर बिटवीन 4-8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से अगर हम 43 सेंटीमीटर पे बात करें, 43 सेंटीमीटर पे किस पे क्लोज वायर में से? ये था लार्ज वुबन वायर मैश। ग्राउंड लेवल से यदि हम क्लोज वायर मैश की बात करें तो 43 सेंटीमीटर हाइट पे अगर हम देखते हैं, 43 सेंटीमीटर हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल स्पेसिंग बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल वायर आर 4-8 सेंटीमीटर। इनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, या तो 4 सेंटीमीटर हो या और 8 सेंटीमीटर। ये था क्लोज वायर मेश। इन दिस टाइप ऑफ फेंसिंग द हॉरिजॉन्टल वायर आर मेड हैवियर देन द वर्टिकल वायर। जो हॉरिजॉन्टल वायर है वो क्या होना चाहिए, हैवियर होना चाहिए देन द वर्टिकल वायर मैश। एंड द वर्टिकल वायर आर रैप्ड अराउंड द हॉरिजॉन्टल वन। जो वर्टिकल वायर है वो यहाँ पे रैप्ड होना चाहिए। हेक्सागोनल जो वोवन टाइप होता है वायर आर यूनिफॉर्म ऑल थ्रू देयर हाइट। हेक्सागोनल की बात करें जो वोवन वायर मैश सिस्टम का थर्ड नंबर का जो
ये इस टाइप की फेंसिंग हमारी होती है। ये है हेक्सागोनल टाइप फेंसिंग। दिस इज द हेक्सागोनल टाइप फेंसिंग। सो इट इज यूनिफॉर्म ऑल थ्रू देयर हाइट। हमने देखा था क्लोज वायर में इस फेंसिंग में कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे क्या होता है उसकी जो स्पेसिंग होती है नियर टू द अर्थ सरफेस स्पेसिंग कम होते जाती है। 15 टू 30 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है वर्टिकल वायर की डिस्टेंस होती है और स्पेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल वायर क्या होता है 7.5 टू 22.5 सेंटीमीटर। और जैसे जैसे हम अर्थ के करीब आते हैं वैसे वैसे स्पेसिंग कम होती जाती है। ऐसे हमने क्लोज वायर में इसमें देखा था पर हेक्सागोनल वायर में इसमें क्या होता है इट इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द थ्रू आउट इट्स लेंथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बार्बर्ड वायर फेंसिंग। वुवन वायर लार्ज मेश फेंसिंग का एक फिगर देख लीजिए उसको एग्जाम्पल बना के आइए आप। ये जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड इसका जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल वायर डिस्टेंस कम होती जाता है। ये फिगर ऑफ एग्जामिनेशन एग्जाम में जो बनना चाहिए सबसे ऊपर 11 बार है 11 बार और इसकी जो 1.4 मीटर हाइट है इसकी 1.2 मीटर ये 1 मीटर 0.8 मीटर 0.6 मीटर 0.4 मीटर 0.2 मीटर 0.2 मीटर। तो ये 7 बार तक आप बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 बार ये 9 बार ये 8 बार ये 7 बार 6 बार सॉरी 10 10 ये 9 ये 8 7 बार .65 मीटर आ जाएगा इसके बाद 0.65 मीटर।
क्योंकि अब हम जैसे जैसे आज की क्लोज जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल वायर की डिस्टेंस कम होती जाएगी। ड्रॉ करिएगा ठीक है। अब हम देखते हैं बारबर्ड वायर फेंसिंग नंबर सेकंड हमारा है। बारबर्ड वायर फेंसिंग बारबर्ड वायर फेंसिंग इट इज द गैल्वनाइज्ड बारबर्ड वायर इज अवेलेबल इन टू स्टैंडर्ड स्टाइल टू मीट वेरियस फेंसिंग इक्विपमेंट्स। इट इज जनरली मेड ऑफ टू इट्स स्टैंड्स ऑफ वायर ट्विस्टेड टुगेदर विथ आइदर वन और टू बिट्स ऑफ वायर रैप्ड अराउंड वन ऑफ द strands so that either two or four sharp point project ये two or four sharp point projected at regular interval। जैसे कि मैंने अभी बताया ये बार बार वायर इसमें या तो हम रैप ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्ट एक आयरन के जो पीस होते हैं या वायर होते हैं हम उसको ट्विस्ट कर देते हैं, ये तो टू पॉइंट्स निकले हुए होते हैं या फिर फोर पॉइंट्स ऐसे निकले हुए रहते हैं ऐसे। जी इस टाइप से तो इट इज़ द गैल्वनाइज्ड वायर होता है इज अवेलेबल फॉर टू स्टैंडर्ड स्टाइल टू मीट वेरियस फेंसिंग इक्विपमेंट्स। इट इज़ जनरली मेड ऑफ टू इट्स स्टैंड्स ऑफ वायर ट्विस्टेड टुगेदर विथ आइदर वन और टू बिट्स। हम इसमें दो बिट्स या टू वन बिट्स या टू बिट्स जो आयरन के वायर होते हैं उसको कर देते ताकि इसके जो पॉइंट्स हैं शार्प जो पॉइंट हैं वो ऐसे प्रोजेक्टेड हो, या तो फोर पॉइंट्स हो सकते हैं या टू पॉइंट्स हो सकते हैं एट रेगुलर इंटरवल। द स्पेसिंग बिटवीन द बारबर्ड वायर वेरीज बिटवीन 7.5 एंड 15 सेंटीमीटर। जो बारबर्ड वायर की जो स्पेसिंग है वो कितनी होना चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए या 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा बारबर्ड वायर इज मेड ऑफ 14 गेज वायर एंड इज अवेलेबल इन अ रोल ऑफ 50 केजी स्ट्रेचिंग टू अबाउट 160 मीटर लॉन्ग। ये पीसेस में मिलते हैं हमें, जैसे हम एक बंडल लेने जाते हैं तो 50 केजी का एक बंडल मिलेगा और उसकी जो लेंथ होती है वो 160 मीटर तक ही होती है। हमारे मार्केट में जो ऐसे अवेलेबल है ये 14 गेज, इसकी जो लेंथ इसका जो केजी होता है वो 50 केजी वन लॉट में मिलता है हमें और 160 मीटर तक हम इसको एक बार में स्प्रेड कर सकते हैं। ये ऐसा अवेलेबल होता है मार्केट में। और इसकी जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन द बार्स वेरीज 7.5 एंड 15 सेंटीमीटर। इसकी जो स्पेसिंग है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है या 15 सेंटीमीटर हो सकती है स्पेसिंग।
भी देखते हैं। आइदर द एंटायर फेंस इज मेड ऑफ बार्बर्ड वायर और प्लेन और बार्बर्ड वायर प्लेस्ड अल्टरनेटिवली, या तो हम एक प्लेन वायर एक बार्बर्ड वायर एक फिर प्लेन वायर एक बार्बर्ड वायर ऐसे हम अल्टरनेटिवली अरेंज कर सकते हैं, जो कि 14 गेज का हो सकता है और 50 केजी का इसका वन बंडल मार्केट में अवेलेबल होता है। बार्बर वायर इज आल्सो फॉर सप्लीमेंटिंग द वूवन और प्लेन टाइप वायर फेंसिंग। हम बार्बर वायर को वूवन वायर में भी एज ए सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ वूवन वायर। हाँ, वूवन वायर हम इसका यूज कर सकते हैं बार्बर वायर का, या प्लेन वायर फेंसिंग का भी यूज कर सकते हैं। द स्पेसिंग ऑफ द वायर इन अ 1.27 मीटर हाई फेंस इज यूजुअली इन द फॉलोइंग ऑर्डर। हम 1.27 मीटर हाइट पे अगर हम फेंसिंग कर रहे हैं तो हम किस टाइप का उसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, नियर द ग्राउंड एंड हाउ इट इज ट्रेंड व्हेन वी आर गोइंग फॉर द ग्राउंड। तो ग्राउंड एंड फर्स्ट वायर की जो स्पेसिंग होती है वो 15 सेंटीमीटर की, ग्राउंड है हमारा ये ग्राउंड है, ग्राउंड ग्राउंड लेवल ग्राउंड एंड फर्स्ट वायर की जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है 15 सेंटीमीटर। ग्राउंड एंड फर्स्ट वायर की स्पेसिंग हमारा 15 सेंटीमीटर, फिर सेकेंड एंड थर्ड वायर की स्पेसिंग भी 15 सेंटीमीटर होती है। सेकेंड एंड थर्ड वायर की जो स्पेसिंग होती है, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड वायर की जो स्पेसिंग होती है वो भी हमारा 15 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड वायर की जो स्पेसिंग होगी ये बार्बर्ड वायर है, इसमें ऐसे पॉइंट्स बने हुए, ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर। अब थर्ड एंड फोर्थ वायर की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वायर वो 22.5 सेंटीमीटर की होगी। क्योंकि जो एनिमल होता है वो यहाँ से जनरली पास होता है नियर द ग्राउंड, तो यहाँ पे हमें क्लोज वायर या जिसमें दो वायर के बीच में डिस्टेंसेस कम होता है उसकी नीड होती है हमें ग्राउंड लेवल। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ वायर की जो डिस्टेंस होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। फोर्थ एंड फिफ्थ वायर की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। ये एग्जाम में आप ऐसे बना के आइए फिगर, हर क्वेश्चन में हमें फिगर ड्रॉ ही करना है, हर क्वेश्चन में हमको डायग्राम बनाना ही है। दैट्स व्हाई वी कैन गेट गुड मार्किंग इन आवर आंसर शीट। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ एंड टॉप वायर की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। फिफ्थ एंड ये टॉप वायर 30 सेंटीमीटर, ये टॉप वायर, ये फिफ्थ
सब आप बना के आइएगा एग्जाम में। थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट फर्स्ट इट इज द ग्रामर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम वहीं तक देखेंगे फॉरवर्ड वायर फेंसिंग तक। इसके आगे इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम हेक्सागोनल वायर में सिस्टम अच्छे से देखेंगे और इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग देखेंगे, ओके, और प्लेट वायर फेंसिंग देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।